तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। वीडियो में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। दूसरी जानी अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर एक घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? मैं अमेरिका से आया हूं, न्यूयॉर्क से। मैं कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनको उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको मैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा आपको। अयोध्या यहाँ पर लग रहा है, कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये मैं पहली दिन अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान आए। अयोध्या राम मंदिर को द विटिकन ऑफ द हिंदूस क्यों कहा जा रहा है? या आपने प्यार मोहब्बत से रहना है, ये मैसेज मैं कल लेकर गया था लोटस मंत्र में, एंड आई वाज रिसीव्ड वेरी वेल। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो यू इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। और दूसरी जानी अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर एक घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? देखिए बेसिकली जो मुझे बात नजर आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के, कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है, और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटो सेंटो के माहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया, और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी निगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मुरासम किए। मैं कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहाँ उनको उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको मैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूँगा कि देखें, और दूसरा गूगल करके देखें, मेरी मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ। तो जब, और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि आप एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद हैं, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है, अब आगे चले। आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है, आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, सीखने की कोशिश करें उनके उनसे बिजनेस। हमारी गवर्नमेंट ने तो आज फिर एतराज कर दिया, आज फिर एक बार जो है वो राम मंदिर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, आपको नहीं देना चाहिए था। आरजू मैंने डान की, मुझे किसी ने भेजी है वो किसी ने, लेकिन देखें वजह ये है कि मजहब के ऊपर कैपिटलाइज करना होता है, अपॉर्चुनिटी कारोबार है, इलेक्शन है। आज मैं आप उसकी बात कर रहे हैं, CNN ने इसके खिलाफ बड़ा गलत प्रोपेगेंडा किया है, BBC ने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, कई लोगों ने लिखा कि ये मोदी साहब की ताजपोशी है, कई लोगों ने लिखा है ये इलेक्शन है सारा, ठीक है जैसे भी है, लेकिन मैं ये मुझे पता है कि मोदी साहब की लिस्ट बहुत लंबी है जो अकॉम्प्लिश उन्होंने किया है भारत के अंदर। उनका इलेक्शन जो है इस राम मंदिर के बगैर भी उन्होंने जीत जाना था, स्वीप करना था, मुझे पता है इस बात का, लेकिन ये कि चले, हर एक सोच, हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है।
मैं एक मुसलमान हूं, मैं और मैं समझता हूं मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है। मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये राह का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी सब उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाओ बेटा, कुछ सीखने की कोशिश करो। उर्दू में ट्वीट छोड़ो, ट्वीट के साथ रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा ही के साथ आपको जिहाद के सबक देने वाले नहीं। आरजू इनको सारे जिहाद के सबक देने वाले के सबके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं बेटा। कुछ आंखें खोलो अपनी, कोशिश करो, नफरतें कम करो अगर हो सके तो, प्यार मोहब्बत की बात करो, तालीम की बात करो, ट्रेड की बात करो। आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर। ठीक है, सो ये आप देख लें कि ये चीजें आपके सामने आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ इट इज। हर निजाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह वो अपना ऐसा एक माहौल बनाया है कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और समटाइम्स दिस इज, इसको हम मेजोरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज डेंजरस बिकॉज आपके मुकाबले में अपोजिशन ही कोई नहीं। अब वो जो है क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के, वो ही इज अनइम्प्रेसिव पर्सन। मुझे वो कभी अपील नहीं किया, उसकी वजह ये है कि वो बातें अच्छी करता है लेकिन उसके अंदर वो एक होती है जो एक पॉलिटिशियन के अंदर, जैसे हमारे इमरान खान थे, ठीक है। आई डोंट लाइक इमरान खान दीज डेज बिकॉज उन्होंने मुल्क के अंदर बड़ी तकसीम पैदा करने की कोशिश की, हालात को ख़राब करने की, लेकिन वो लोगों को उसके अंदर वो करिश्मा था, करिश्माटिक लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके अंदर उस तरह जो है वो एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम दिस इज़ कि हमने एक ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली, मेरी ज़ाती राय ये है कि ये शायद लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा यूनिटी है, इसीलिए इनके अंदर ज़्यादा वो एक पैट्रियटिज़म ज़्यादा है, इसीलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक, अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं दिस इज़ वी आर डूइंग फॉर वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं, और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक 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 एक, एक, एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जय शंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। आप देखें ये जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट हुआ है। मैंने पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज नॉट अ डे ऑफ, ये कोई संडे सैटरडे नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं।